दोस्तों, चाय एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग दिन में कई कई बार पी लेते होंगे। ज़्यादातर हम इसे गैस के ऊपर ही बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। कई माइक्रोवेव में चाय के लिए पहले से ही प्रीसेट मोड होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वांटिटी एंड मोड सेलेक्ट करना है और चाय बन जाती है। बट कई माइक्रोवेव में प्रीसेट मोड नहीं होता है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। किसी ने इधर मुझे रिसेंटली पूछा भी था कि अगर प्रीसेट मोड नहीं है तो हम कैसे चाय बना सकते हैं माइक्रोवेव में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो चाय के ऊपर बना रखा है माइक्रोवेव में, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं आज हम चाय को कैसे तैयार करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। तो माइक्रोवेव में चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बोल। कोई भी प्लास्टिक का या आप स्टील का बर्तन नहीं लेंगे, स्टील का तो बिल्कुल भी नहीं, माइक्रोवेव में नहीं चलता है, और प्लास्टिक भी नहीं। इसके बाद यहाँ पर अपनी मेजरमेंट के हिसाब से जैसी आप चाय चाहते हैं, जितना पानी, जितना दूध, चाय की पत्ती, चीनी जितना चाहिए वो आप डालिए। यहाँ पर मैंने बराबर रेशियो में 2 कप पानी 2 कप दूध, 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें चाय की पत्ती ली है, और चीनी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, जितनी हमारे घर में पी जाती है, करीब 4 से 5 चम्मच। तो ये 4 कप चाय बन रही है यहाँ पर। तो आप जैसे मैंने बोला, जितना आप जो भी चीज़ लेते हैं, जितनी क्वांटिटी में दूध, पानी, चीनी, पत्ती, वो आप डाल लीजिए। और अगर आप अदरक की चाय पीने के शौकीन हैं तो अभी इस स्टेज पे हम अदरक नहीं डालेंगे, अदरक को डालेंगे बट थोड़ी देर के बाद, क्योंकि कई बार जब हम बिना उबाले चाय को उसमें अदरक डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, इसलिए हम अदरक को थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो चाय वाली बोल थी उसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है, और अब हम 900 वॉट्स पर माइक्रोवेव मोड में इसको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। इस माइक्रोवेव में 900 वॉट्स जो होता है वो फुल जो है मैक्सिमम जो है वॉट्स होता है। तो इसमें आपकी अगर चाय आप रखते हो और आप चाहो कि पूरा 900 वॉट पे इसको बॉयल करो तो ये उफन कर गिर जाएगी। बट मैं आपको आगे एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी चाय बॉयल तो होती रहेगी बट वो उफन कर गिरेगी नहीं। तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम इसको चला लेंगे अच्छे से, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब जो है थोड़ी देर के बाद चाय में उबाल आना शुरू होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम माइक्रोवेव मोड पर 540 वॉट्स पर इसको चलाएंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको टाइमर सेट कर देंगे। तो अभी जो है, चूंकि हमने इसका वॉट थोड़ा कम कर दिया है, तो इसका जो बॉयल होने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो करीब 4 मिनट के बाद इसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है। जितनी क्वांटिटी मैंने ली है ये उसके हिसाब से आपका टाइमर मैं बता रही हूँ कितनी देर का आपको टाइमर लगाना है। अगर आप इससे कम चाय ले रहे हो तो आप शुरू में करीब 3 या 4 मिनट के लिए ले सकते हो, और बाद में आप 7 या 8 मिनट के लिए चला सकते हैं। बट अगर आप 4 कप चाय बना रहे हैं तो आपको इतनी देर चलाना पड़ेगा। तो अब आपने देखा कि इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है, और 1 से 2 बॉयल जैसे ही आ जाएं, इसका मतलब आपका चाय पत्ती दूध के साथ मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे तो ये फटेगी नहीं, तो इस स्टेज पर हम इसमें अदरक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 इंच या 1.5 इंच का टुकड़ा ले लिया है अदरक का, इसको अच्छे से आप कूट लीजिए जैसे नॉर्मली डालते हैं। अगर आप इस स्टेज पर चाहते हैं तो आप अदरक के साथ इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक को डालकर चाय के साथ मिक्स कर दिया है, और वापस से उसी जो है जो हमने पहले सेटिंग करी थी उसी पर से वापस से इसको स्टार्ट कर दिया है। तो बस ये चाय आप देख रहे हो बार बार उबल रही है और नीचे आ रही है। तो ये जो वॉट्स हैं 540 वॉट, इस पर आपकी चाय उबलकर गिरेगी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर पर चलाने के बाद माइक्रोवेव को कट कर देता है, जिससे कि जो उबली हुई चाय है वो नीचे आ जाती है। तो इसलिए आप इस तरीके से चाय आराम से बना सकते हो, और 10 मिनट में आप देखिए कितनी अच्छी कड़क चाय बनकर हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये माइक्रोवेव में बनी हुई चाय है, बिल्कुल लग रहा है कि हमने गैस पे बनाया है। तो चूंकि ये जो है ग्लास की बोल है, इससे अगर हम कप में सीधे छानेंगे तो शायद चाय गिर सकती है, इसलिए मैं इसको एक अलग जो है बोल में छान ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी केतली वगैरह में भी निकाल सकते हैं, फिर आप कप में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो बस चाय हमारी बनकर तैयार है। अभी यहाँ पर ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रीसेट जो मोड होता है, अगर आप उसमें बनाते हो चाय तो आप उसमें अपने हिसाब से उसको जितनी देर उबालना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। बट अगर आप खुद से सेटिंग करते हो और चाय बनाते हो तो आप जितनी देर चाहे उसको उबाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया था। अगर आप चाहें और कड़क चाय बनाना, और देर तक इसको बॉयल करना, तो आप 2 से 3 मिनट और इसको उबाल सकते हैं। तो ये होता है आसानी कि आप अपने हिसाब से चाय बना सकते हो। तो बस हमारी चाय बिल्कुल बनकर रेडी है, और बिल्कुल लग रही है ना गैस वाली चाय। तो अगर आप भी चाय पीने के बहुत शौकीन हैं तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जिसके घर में माइक्रोवेव है वो चाहता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी जाएं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि यार 15 मिनट में क्या, हमारी चाय तो 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है गैस पर, क्या ज़रूरत है माइक्रोवेव में बनाने की। बट अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप बिल्कुल चाहते हो कि उसमें आप कुकिंग कर सको, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में गैस वगैरह फिनिश हो जाती है और आपको नहीं समझ में आता है कि आप क्या बनाओ, तो आप इस तरीके से माइक्रोवेव में कुकिंग कर सकते हो। माइक्रोवेव में
कुकिंग रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।